हूँ संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, मझौली से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। घर के बाहर युवक सो रहा था। 14 जुलाई को यह हत्या की गई थी। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में लगातार तहकीकात की जा रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कुम्हारी थाना प्रभारी आर ए पांडे और तमाम टीम के द्वारा मेहनत की गई। साथ ही FSL अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा साक्ष्य जुटाए गए। और इस घटना के मुख्य आरोपी शिक्षक सूरत सिंह पिता रम्मू सिंह उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि जो मूरत सिंह है, इसके ऊपर मृतक रज्जू सिंह शक करता था कि उसकी पत्नी से इसके अवैध संबंध है, जिसके चलते शिक्षक ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। क्या करते हो? प्राइमरी में शिक्षक हो, क्यों मार दिया उसको? रज्जू को क्यों मार दिया? रज्जू आदिवासी को। और एक तो सवाल आ गया, एक अच्छा सबमर्सिबल गड्ढा में फंसा दिया तो फिर रात में क्यों मारा उसको? दिन में कर लेता, कुछ डांट देता उसको, कुछ कर देता। रात में सोते समय क्यों मारा? चलो अब मत मारना। बच्चे कितने इसके? बड़े अच्छे एजुकेटेड बच्चे भाई। बच्चे कितने पढ़ते हैं स्कूल में? जबलपुर पढ़ता है बच्चे। कौन से स्कूल में है आप? घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनिवार के द्वारा बताया गया। अभी हाल ही जिले में कुछ घटनाएं हुई है, जिसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है। एक तो कुम्हारी थाना क्षेत्र में ग्राम मझोली है, वहाँ पे 13 और 14 तारीख की रात को एक रज्जू आदिवासी करके है, वो अपने घर आंगन में सो रहा था। और सोते समय जब कंबल ओढ़ के सो रहा था घर आंगन में, तो एक धारदार हथियार से अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी। तो ये बड़ा अपने आप में सनसनीखेज प्रकरण था। थाना प्रभारी द्वारा जैसे मुझे बताया गया, तो हमने एडिशनल SP साहब मौके पर गए, FSL अधिकारी किरण सिंह मैडम मौके पर गई, और वहाँ जाकर के देखा कि वास्तव में सोते समय धारदार हथियार से 3 वार किए गए, उसमें बड़े ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना करके बारीक से निरीक्षण किया गया, तो एक तो ब्लड स्टेन जिस डायरेक्शन जो बताया वो दिशा मिली। साथ ही गांव के लोगों से छानबीन की कि कौन व्यक्ति मिसिंग है, तो एक व्यक्ति मिसिंग था, सूरज सिंह, जो पेशे से टीचर हैं। और तात्कालिक कुछ एक तो संदेह भी करता था, संदेह के साथ साथ ही एक खेत पे सबमर्सिबल पंप जो लगा था वो फंस गया था। तो इन दो कारणों से रज्जू आदिवासी रात में जो है उसकी हत्या कर दी गई है। हमारे द्वारा जो अनुसंधान में साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया और गिरफ्तारी के उपरांत विधिवत जो उसको न्यायालय जो है प्रस्तुत किया गया। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करने के साथ इस मामले की जानकारी दी गई। पत्रकारों को बताया गया कि इस तरह से एक शिक्षक ने हत्या के घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की आगे कार्रवाई जारी है, आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया।